रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, मुझे घर जाने दे आका, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मौत पर मेरे शहीदों को भी रश्का अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट के मुझे मर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे आका, अपनी रिजवान मुजफ्फर को दरे जन्नत पर, रोक रिजवान मुजफ्फर को दरे जन्नत पर, ये मोहम्मद का है अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। بسم الله الرحمن الرحيم احباب ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کے عظیم موقع پر آج آپ کے ہاں انتہائی واجب التکریم ہمارے بہت ہی قابل قدر حضرت مولانا علی المرتضیٰ صاحب، برادر عزیز جناب خبیب نعمان صاحب کے حکم پر ہمارے انتہائی عزیز حضرت مولانا وقاص نقشبندی صاحب کی وساطت سے اس بابرکت تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر تشریف فرما ہے عالم باعمل ولی کامل
हज़रत मौलाना पी मोहम्मद इसहाक साहिब रहमत फ़ियूज़हुम। अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों का साया तंदरुस्ती के साथ हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत को, इनके पूरे ख़ानदान वालों को, अज़ीज़म हाफिज़ सुहेब नौमान साहब और दूसरे हमारे अज़ीज़ अल्फाज़ जिनके तकमील क़ुरान पाक ख़त्म क़ुरान के मौका पर ये प्रोग्राम रखा गया, इनके सब घर वालों को भी मुबारक हो। क्या दे खैर मुबारक, ये जुमातुल मुबारक भी है और फिर ख़त्म क़ुरान की तकरीब भी। ये ऐसी बरकत वाली तकरीब है कि हमने उलमा से सुना है कि इसमें जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। कहे ना सुभान अल्लाह, आप सुभान अल्लाह बड़ी ऐसा कह रहे हैं। मैं रावलपिंडी से आ रहा हूँ सफ़र करके ना, तो मुझे लगता है आप गिलगित से तशरीफ़ लाए हैं जुमा पढ़ने के लिए। थकावट हो गई है आपको, तो कितनी प्यारी महफिल, ज़रा पहले मुस्कुराएं थोड़ा सा सारे, चेहरे तो अच्छे करें ना। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इतने प्यारे चेहरे आपके अल्लाह ने बनाए हैं। अब कहें सुभान अल्लाह। देखें, एक मुसाफिर को मुस्कुराहट देने का सवाब और एक सुभान अल्लाह कहने का सवाब। हाँ अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो मैं बड़े ही महदूद वक्त है इसके अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ पंजाबी उर्दू सराकी, हालांकि सराकी मेरी ज़बान नहीं है, लेकिन चूँकि आपकी तो ज़बान है ना, आपको तो मोहब्बत होगी, तो मैं इन तीनों ज़बानों के अंदर जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ कलाम आपको सुनाऊँगा। लेकिन शर्त यह है कि आप थोड़ा सा ज़ौक के साथ बैठे, जो मोहब्बत से बैठे हैं वो कहें सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी तिलावत हुई, अल्लाह जानता है वो घर दा पील चोल दा वट्टा। एक हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब कारी वकास साहब ने इतनी अच्छी तिलावत की है तो वो आपके इलाके के रहने वाले हैं शायद, इसलिए आप ऐसा ना करें। आप जो भी आए मेहमान उसको इज्जत दें, उसका हौसला बढ़ाएं। ये सुभान अल्लाह कहने से आपको पता है जन्नत में एक दरख्त लगता है, और हमने सुना है कि ऐसा दरख्त के 100 साल तक अरबी नस्ल का घोड़ा उसके साये में दौड़ता रहे तो उसका साया खत्म नहीं होता। तो आप कह देना सुभान अल्लाह। अच्छा, तो अब आपने एक दरख्त लगवाना है या खूब लगवाने हैं, गार्डन लगवाना है या ना जन्नत में इंशाअल्लाह। हाँ, फिर सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ हम्द बारी ताला से। खूबसूरत कलाम है, हदीस पाक में आता है कि अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन जिक्र कौन सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ा सा जिक्र करते हैं फिर नाज़ शरीफ सुनाता हूँ, पढ़ेंगे मिल के मेरे साथ। ओ बोलो तो सही, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, नाराज नहीं होना, ये थोड़ा सा मैंने जगाया है आपको, मैंने कहा थोड़ा सा जागे ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, आइए मिलके पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह बहुत राजी होंगे, मोहब्बत से शरीक हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जामिया मस्जिद नक्शबंदियाँ से इतनी आवाज जाए पूरे इलाका में, पता चले कि अल्लाह वाले बैठे हैं। अल्लाह वालों की सोहबत याफ्ता आवाम बैठी है यहाँ पर, वो लोग बैठे हैं। जरा शौक से मोहब्बत से पढ़िए, शौक से पढ़िए, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक नहीं पढ़ेंगे सब, मैं ये पढ़ता रहूंगा,
पढ़ते रहेंगे हम, जब आप सब पढ़ेंगे जज्बे के साथ तो फिर शेर सुनाऊंगा आपको। इसलिए कि अल्लाह की हम इतनी अरजा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको सुनाऊं, आपको तैयार करूंगा पहले इंशाल्लाह। तो सब पढ़िए ताकि मैं आपको शेर सुनाऊं, बड़ी खूबसूरत हम आपको सुनाना चाहता हूं, शौक से और बुलंद आवाज से पढ़िए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए पढ़े और ये सोचे कि अल्लाह कितने खुश होंगे। पुराने पाक में आता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। पढ़िए और सुकून हासिल कीजिए, शौक से बुलंद आवाज से पढ़े। ला अलामा मरहूम कहते हैं इसे खानकाहों में, मस्जिदों में, दरसगाहों में, मदरसों में ही नहीं, इसे दुकानों में, मकानों में, बाजारों में, गलियों में, कूचों में, हर जगह इसका विर्द कीजिए। इसका कोई मौसम नहीं है, कह दें सुभान अल्लाह, बात को समझे फिर कहें सुभान अल्लाह। ये कलमा फसले गुलाला का नहीं बाहर हो के खजाला, इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा अगरचे पुत गैर जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ाला, इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा जिस बढ़िया ओ तर जावेगा। किने किने बढ़िया हाथ खड़ा करो, अल्लाह बेड़ा पार करेंगे। जिस बढ़िया ओ तर जावेगा, जिस बढ़िया ओ तर जावेगा, ए मरण वेले कम आवेगा, ए कब्र तेरी चमकावेगा। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, सांसों की तकरार में अल्लाह, उच्ची कह दो सुभान अल्लाह, सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुक तार में अल्लाह, चमन में लाला जार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, मस्जिद में बाजार में अल्लाह, गुंबद में मीनार में अल्लाह, अपनों में अगयार में अल्लाह, सोचों के अंबार में अल्लाह, पत्तों में अशजार में अल्लाह, चोटी पर और गार में अल्लाह, बाहिर अल्लाह घर में अल्लाह, दिल में और नगर में अल्लाह, रेशम और हजर में अल्लाह, बहर में अल्लाह, बर में अल्लाह, पेड़ में और समर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, तारों में
और कमर में अल्लाह सिद्दीक और उमर में अल्लाह उस्मान और हैदर में अल्लाह काबे की तामीर में अल्लाह कुरान की तफसीर में अल्लाह हैदर की शमशीर में अल्लाह आमिना की तत्हीर में अल्लाह आयशा की तकदीर में अल्लाह सबके इस्तिग़फ़ार में अल्लाह यानी कुल संसार में अल्लाह और हासले कलाम ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा ना करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, पहल हबीब करे कोई दूसरा ना करे। अल्लाह के जिक्र के बाद हम अहले सुन्नत आका का जिक्र करते हैं। इतनी मोहब्बत से आप दुरूद पाक पढ़िए कि ये महफिल मुअत्तर भी हो जाए, मुअम्बर भी हो जाए, बिल्कुल दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पहले उर्दू में या पहले सराकी में नाज उर्दू बोले पहले उर्दू में या सराकी में पहले अच्छा वो हमारे अजीज भाई खुबैब साहब ने एक नात का कहा है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अपने टाइम के अंदर ही मैंने आपको तफसीली कलाम तो कोई भी नहीं, हर कलाम का एक एक शेर हो सकेगा। बहरहाल खूबसूरत नात के चंद अशआर आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलम इस्लाम की अजीम रूहानी पेशवा हजरत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत नात के लिखी। उन्होंने एक नात जिसको बड़ी मकबूलियत अल्लाह पाक ने अता की, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन एक शर्त है मेरी, दरख्वास्त है, शर्त क्या है कि आपने इसका काफिया मिलके मेरे साथ पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, खत्मे नबूवत के जो परवाने हैं वो मिलके मेरे साथ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसका काफिया है कि तुझ सा कोई नहीं, हमारा ईमान है ना, हमारा ईमान बोलो तो सही है, साढ़ा ईमान है ना, साढ़े आका दरगाह हो कोई नहीं, सबका ईमान है ना। तो आपने उसका ऐलान करना, सोचिए आका कितने खुश होंगे कि जब आप कहेंगे तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। सुनिएगा शाहजी लिखते हैं, ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, पढ़िए तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली, ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली, बुलंद आवाज से तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसित को यकीन, है अकीदा ये अपना बसित को यकीन, क्या तुझ सकोई नहीं, तुझ सको ही नहीं, ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली, ऐ रसूले अमी कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, हजार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब,
फिर भी आका का नाम ले तो बेअदबी है। किसी फारसी के शायर ने तो यूं कहा, शाहजी क्या लिखते हैं सुनिएगा, कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कोई है वो के जिसको मैं तुझसा कहूं, कोई है वो के जिसको मैं तुझसा कहूं, तौबा तौबा नहीं कोई तुझसा नहीं, तौबा तौबा नहीं कोई तुझसा नहीं, पढ़िए तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली, ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली, पढ़िए तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। और डीजी खान वालों, आपका ज़हन जिस तरफ जा रहा है वो शेर भी सुनाता हूँ, कहना सुभान अल्लाह, सुनिएगा। मैं कशो मदीने चले, चले मदीने, अल्लाह जरूर लेके जाएंगे, अल्लाह पाक जरूर हरमैन की रौनकों को बहाल फरमाएंगे, सुनिएगा। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, दस्त साथी ये कौसर से पीने चले, दस्त साथी ये कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठे गई एक नजर, याद रखो अगर उठे गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदार हरम हो निगाहे करम, ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हामी ए बेकसा क्या कहेगा जहां, हामी ए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदार हरम। क्या दे सुभान अल्लाह, एक नाच रैकी में चंद शेर सुना रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर समेट रहा हूँ, मैंने हाफिज़े कुरान की शान में भी कुछ सुनाना है, हाँ महफिल की मुनासिबत से भी कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर दो चार मिनट ऊपर हो जाएं तो आपने गुस्सा नहीं, क्या नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बल्कि मोहब्बत देनी है, ठीक है, हाँ कोशिश करते हैं इंशाल्लाह के वक्त मुकर्रर के अंदर खत्म करो। सुनिएगा, ज़िराकी में नात पढ़ने लगा हूँ लेकिन गलती भी नहीं निकाली, हाँ उसकी वजह मेरी ज़बान नहीं है, मैं साहिब ज़बान नहीं हूँ, मोहब्बत देनी है ताकि मैं ज्यादा पढ़ूँ, और मैं पढ़ रहा हूँ ज़िराकी में। सुनिएगा एक खूबसूरत नात जिसमें आका के मौजज़ात का जिक्र है, सुना रहा हूँ, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुलादा, फरमाइए शायर लिखता है, मदीने वाला आमना दला, अब तो बनती है ना आपकी जबान में, पहले भी बनती थे, पहले भी कहा है आपने, लेकिन आपके जज्बा बढ़ाने के लिए क्या, आपने बहुत अच्छा सुना है, आपको सलाम है, आपके जज्बों को सलाम है, लेकिन अब और जज्बा दिखलाइए, सुनिएगा शायर कहता है, मदीने वाला आमना दला ते लगियां निभा जानदा, मदीने वाला आमना दला ते लगियां निभा जानदा, मदीने वाला आमना दला ते लगियां निभा जानदा, सहारा जिंदा को
गलला जानदा मदीने वाला आमना दला ते लगिया निभा जानदा मदीने वाला आमना दला ते लगिया निभा जानदा मदीने वाला आमना दला अल्लाह शान ए जिया वधाया जरा होली को सुभान अल्लाह और ऐसा के सुभान अल्लाह उल्टी चाल चलते हां उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए मैं कहता हूं ऐसा के आप ऊंचा कह रहे हैं मतलब ये आप समझदार हैं समझते हैं कि यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ऐसा उसका मतलब ऊंचा है ना आज का समझ में ऊंची को सुभान अल्लाह सुनिएगा अल्लाह शन ए जिया वधाया अरशद सहरा कराया अल्लाह शन ए जिया वधाया अरशद सहरा कराया अरशद जाके सुना ए उम्मत सुना जानदा मदीने वाला आमना दला ते लगिया निभा जानदा मदीने वाला आमना दला चन्न दे टोटे करे कोई मफरूजा नहीं हजरात बैठे हमारे आका का मौजदा है अल्लाह ने चांद तारे खिलौने बना दिए कह दे सुभान अल्लाह ये चंद दे टोटे करे ते सजदे दे आखे मुड़े चंद दे टोटे करे ते सजदे दे आखे मुड़े पत्थरा तू सोना नबी ए कलमा पढ़ा जानदा मदीने वाला आमना दला ते लगिया निभा जानदा मदीने वाला आमना दलाल और इस नाद का खूबसूरत शेर सुना रहा हूँ मुझे बहुत पसंद है पता नहीं आपको कैसा लगता है मुझे बहुत ही पसंद है कह देना सुभान अल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे आका के हाथों में कितने कमाल रखे कितनी बरकतें रखी सुनिएगा शायर क्या कहता है के उन दे अगे किए महान हाथ दे विच बरकतां कमाल उन दे अगे किए महान हाथ दे विच बरकतां कमाल जे चाहे सोना गिटे को बगैर खसिया उगा जानदा मदीने वाला आमना दला ते लगिया निभा जानदा मदीने वाला आमना दला अल्लाह की हम आका की नात इसके बाद हम अहले सुन्नत क्या पढ़ते हैं सहाबा में किसकी शान पढ़ते हैं आप बोले किसकी पढ़ते हैं ऊंचा बोले यार सैयदना सिद्दीक अकबर इमाम सहाबा सरताज सहाबा सहाबा में सबसे ऊंचे आका के बाद आका से बड़ी मोहब्बत उनका कलाम जो पंजाबी में सुनाऊं उर्दू में इसमें सराइकी में हाँ एक 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 बेटा एक बात सुने पंजाबी में या सराइकी में आप बताएं हाँ पंजाबी की आवाज आ रही चलो पंजाबी पढ़ देता हूँ ठीक है सुनिएगा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह क्या लिखता है शायर सुनिएगा नहीं जानता ज़माना अजमत से देख दी सिद्दीकी बोले सुभान अल्लाह नहीं जानदा ज़माना अजमत से देख दे मिलके पढ़े नहीं जानदा ज़माना अजमत से देख दे नहीं जानदा ज़माना अजमत सिद्दीक दी पुछो रसूल पाक तो कीमत से देख दे
صرف ایک شعر سناؤں گا، وقت بڑا مختصر رہ گیا، فرمائشیں کافی رہتی ہیں، 5-6 منٹ ہیں، تو شعر سنیے گا اور آپ نے بڑی دیانت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے اس شعر پہ، اس لیے کہ شعر بڑا قیمتی ہے اور میسج بھی ہے، آپ نے پیغام بھی دینا ہے. شعر کہتا ہے من نائے جی خدا لو، من نائے رسول لو، من نائے جی خدا لو، من نائے رسول لو، مننی پوے گی تینو امامت سے دیکھ دی، او مننی پوے گی تینو امامت سے دیکھ دی، نہیں جاندا زمانا عظمت سے دیکھ دی. ایک مشہور نعت کا مجھے حکم ہے بھائی خبیب کی طرف سے، اس کے دو شعر سنا رہا ہوں، بڑی مشہور ہے زمانہ نعت ہے. اس نعت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ سے سنی جاتی ہے. ایک یا دو شعر آپ کو سناتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ مجھے مدینہ سے محبت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سب کو محبت ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سنیے گا، محبت سے کہیں نا سبحان اللہ. سنیے گا شاعر لکھتا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، پڑھیے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں، مدینے میں پھر بڑھ رہا ہوں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، پڑھیے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. یہ دیکھیں گلاب کے پھول، طرح طرح کے پھول ہیں اللہ پاک نے بنائے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے یہ کیسے کھلتے ہیں، سنیے اور محبت دیجئے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اعلی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. اور حسنِ کلام، ہمارا عقیدہ، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ، یقیناً آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے. سنیے تجدید کرتے ہیں عقیدہ کی، کہ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، پڑھیے میرے آقا کا
मदीने में है। हम वलियों को मानते हैं, उसका अमली सबूत ये है, बुजुर्गान दीन बैठे हैं और जिन हजरात से इनकी नस्बत है, हजरत बड़े अली मुतवा, कैसी नस्बतों वाले लोग हैं माशाल्लाह। वली कैसा हो जिसे देख के आका की सुन्नतें, आका का किरदार याद आ जाए। अल्लाह हमें सच्ची और सच्ची नस्बतें नसीब फरमाए। एक वली का कलाम सुना रहा हूँ, जल्दी जेडे वलियां नु मनदे ने ओ कहण सुना रहा हूँ। जब मैं पढ़ूंगा आप समझ जाएंगे कौन से वली हैं, क्या लिखते हैं, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। तस्वी फिरी फड़के जाग बिना दूध जम दे नहीं पाहो, जाग बिना दूध जम दे नहीं पाहो, जाग बिना दूध जम दे नहीं पाहो, पावे लाल होवे कड़ कड़ के। मुझसे पूछिए इस साल मेरी माँ चली गई, मैं जो कुछ भी हूँ उनकी दुआओं की वजह से हूँ, क्या तकलीफ है और क्या होता है माँ के जाने के बाद। अल्लाह जिनकी माँ जिंदा है उन्हें सलामत रखे, अदब खिदमत करने की तौफीक दे। माँ के बगैर बड़ी मुश्किल है, लेकिन जिसने आना है उसने जाना है। अल्लाह हमें सब्र दे और उनको आला मकाम अता फरमाए। सुनिएगा, अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, सुनिएगा। एडियां कूड़ियां
जग ते छावां लभदियां नहीं तुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं तुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं पुत्र पावे लख जहान तू मंदे ने पर मावां आखण सारे जग तू चंगे ने और किसे तू इंज वफावां लभदियां नहीं तुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं कम इक दोस्ता आखा तैनू कर जावी मां दे मरनी तू पहला पहला मर जावी नहीं ते जग उते फिर मरनी नू थावा लभदियां नहीं तुर जावण इक वार ते मावा लभदियां नहीं मां दा शाकिर अंत पिछोड़ा सहना है फिर आप ही डिगना आप ही उठना पैना है मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया फेर सदावां लभदियां नहीं तुर जावण इक वार ते मावां तो सुनिए और मोहब्बतों से नवाजी शायर कहता है दो जहां के शहनशाह का दो जहां के शहनशाह का प्यारा प्यारा है कलाम प्यारा है ना और जिन्होंने प्यारा लगता है वो कह सुभान अल्लाह सबको लगता है मुसलमान है हम दो जहां के शहनशाह का प्यारा प्यारा है कलाम जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम जिसका बच्चा इस जहां में हाफिज़े कुरान है हाफिज़े कुरान का माँ बाप आली शान है हाफिज़े कुरान का माँ बाप आली शान है हो रहा है उनकी खातिर माँ बाप हो रहा है उनकी खातिर शहनशाही इंतजाम जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम और ये सुनिएगा इनके सर पे जो सुनहरी ताज रखेगा खुदा होगा सूरज से ज्यादा रोशनी में पुरजिया होगा सूरज से ज्यादा रोशनी में पुरजिया सब कहेंगे आ रहे हैं सब कहेंगे आ रहे हैं ये मोहम्मद के गुलाम जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम और आखिरी बात हाफिज़े कुरान ये कुरान
सब सीढ़ियों पे खूब चढ़ते जाएंगे, नूर की सब सीढ़ियों पे खूब चढ़ते जाएंगे। हूर गिलमान मुकद्दस देंगे झुक झुक कर सलाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर में मैं फिर ममनून और मशकूर हूँ हज़रत क़िबला।